अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के जो व्लॉग में हमने आपसे जिस तरह से कहा था कि एक नई लोकेशन पे मिलेंगे, अभी हमारा जो सडन प्लान है वो सवात का बन गया है। ये आप चेक करें, ये माय बडी अंजर भाई। तो और ये जो देखे ना, हमने पैकिंग की हुई है सडन। ओके, और जो हमारा एक पार्टनर है उसका हम वेट कर रहे हैं, उसने हमें यहाँ पर बुलाया और अभी तक वो आया नहीं है। तो अभी जैसे ही वो आता है तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो इंशाल्लाह सारा टूर आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे क्या कुछ है। और हम जो है टूर वालों के साथ जा रहे हैं, हमारा दोस्त है टूर्स लेके जाता है, उसका अगर टूर अच्छा होता है तो हम उसको क्रेडिट देंगे, अदरवाइज उसका क्रेडिट हम वापस ले लेंगे। तो तब तक जी, तो भाई अभी जो है ना हम निकल पड़े हैं और ये सलमान जो है लेट आया सबसे। ये हमें आई है इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, और अभी से ना खाए ना ये। और ये भाई बड़े अच्छे हैं जो हमें मतलब सलमान को छोड़ने आया था, ये फेस फाइव में यहाँ पे, और ये अब जो है हमें छोड़ने जा रहा है। जी तो व्यूवर्स, अभी जो है ना हम आ गए हैं ये बस स्टॉप पे, और बस स्टॉप पे हम वेट कर रहे हैं अपने टूर वालों का। वो आते हैं तो हम आपको बाकी किस तरह से हम लोग जाते हैं वो हम सारा आपको दिखाते हैं। बाकी जो ये मेरे बॉयज, ये यार क्या देर है, अब क्या देर है, वो इंतजाम ही नहीं आ रहा जिसके साथ जाना था। यार आप क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ओके, क्या करें यार, सवाज जाने के लिए देख लो, हमने तो ये रास्ते में हाथ में पकड़ी हुई के रास्ते में, ज्यादा ठंड हुई तो जैकेट भी निकालने का टाइम नहीं मिलता। चले भाईजान, अभी टूर पे जाने से पहले ये दाल चावल खाने लग गए हैं। ये मेरा दोस्त है इंतजाम, ट्रैवल एंड टूर्स इसकी जो है कंपनी है, इसके थ्रू हम लोग जो है ना सवात के टूर पे जा रहे हैं। इंतजाम भाई, आप अपने टूर्स के बारे में बताएंगे, पूरे वीक में कब कब आपका टूर जाता है? हमारे ट्रिप थर्सडे नाइट को निकलते हैं, फ्राइडे नाइट को निकलते हैं, मंडे नाइट को, ट्यूजडे नाइट को, लाइक वीक में फोर टाइम हमारी ट्रिप निकले। ठीक है, और चार वीक में चार दिन आप किसी भी दिन हमें ज्वाइन कर सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूजडे, किसी भी दिन आपने जाना हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टूर पे जाना, तो किसी भी टाइम हमारे से कॉन्टैक्ट करें, हम पूरा कस्टमाइज प्लान करके देते हैं। और चले अभी हम लोग जा रहे हैं और इंशाल्लाह अपना रिव्यू है जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अभी जो पहला हमारा स्टॉप है ये है मियाँ जी की दाल, ये बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है ये जीटी रोड पे। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं दाल वगैरह ट्राई करने। तो अभी जो है मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कुछ ऑर्डर कर दिया है, तो देखते हैं ऑर्डर में क्या कुछ किया है इन्होंने। इसके बाद जो है फर्दर हमारा नेक्स्ट डे कहाँ होता है ये सारा आपको हम अपडेट करेंगे। ये जो मेरे बॉयज़ हैं ये बैठे हुए हैं। जी अंजर भाई, क्या ऑर्डर किया है? दाल मास किया, वो कह रहे हैं इनका बड़ा मशहूर है दाल मास, तो वही का है। और ये आप बताओ, चले थैंक यू यार। और ये चाय की भी है अंजर भाई, लोगों ने इतनी हाइप क्रिएट की हुई है इस खाने की, ये दाल की नॉर्मल है यार, बहुत इतनी कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं है। आप क्या कहोगे सर, क्या कहते हैं ये मियाँ जी का? इस टाइम हम जो है ना सवाल में एंटर हो चुके हैं, ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 बजने वाले हैं, और लोग यहाँ पे ना मस्त हो गए हैं गाने चला चला के, सुबह सुबह से सब चार्ज हो गए हैं, सारी रात सब सोते रहे हैं, बस मैं और जो सलमान है ये जागते रहे हैं। और अभी जो है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्कूल आपको दिख रहा है इसका, और बड़ा ज़बरदस्त हमारा सफ़र रहा अभी तक। जी यहाँ पे हम जो है नाश्ता करने आए हैं, कराची बारबेक्यू रेस्टोरेंट, ये पहले बहरीन में होता था, लेकिन ये कि बहरीन में जो है सैलाब जब आया तो इनका ये सारा जो है वहाँ पे टूट गया था। अभी जो है ये सवात में जो है हमने सबसे पहला जो नाश्ता है वो इस वाली जगह पे किया। यहाँ पे अभी जो है हमारा ये नाश्ता है। जी
नाश्ते में काफ़ी सारे आइटम्स थे और बहुत ही टेस्टी था। ओके, खास तौर पे ऑमलेट अच्छा था। हाँ हाँ, आलू भुजिया अच्छी थी। अच्छा, चाय बहुत ही अच्छी थी। सलमान, मज़ा आया आपके टाइप का मिला? पराठे बहुत अच्छे थे, अंडा बहुत अच्छा, चाय भी, चाय लेवल थी, चाय का मज़ा आया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है, बड़ा बेहतरीन इनका क्वालिटी है। भैया नाश्ते में क्या क्या है हमारे पास? नाश्ते में छेना मिलेगा, हलवा मिलेगा, चाय पराठा और नान। चले हम ट्राई करते हैं और फिर बताएंगे हम। देख, चाय पराठा और नान। नाश्ते में काफ़ी सारे आइटम्स थे और बहुत ही टेस्टी था। ओके, खास तौर पे ऑमलेट अच्छा था। हाँ हाँ, आलू भुजिया अच्छी थी। अच्छा, चाय बहुत ही अच्छी थी। सलमान, मज़ा आया आपके टाइप का मिला? तो अभी हम जो है आगे मालम जब्बा के लिए निकल रहे हैं, तो मालम जब्बा हम पहुंचेंगे और वहां पे जो भी चीज़ें होंगी तो वो हम आपको दिखाएंगे। रिश्ता किया है और अभी हम जो जा रहे हैं मालम जब्बा। मालम जब्बा जो है वो एक हिल स्टेशन है जहाँ पे स्की रिजॉर्ट है। जब बर्फ पड़ी है, जो भाई है हमें ना अपडेट कर रहे हैं, टूर से रिलेटेड हमें ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो यहाँ से जो मालम जब्बा का सफर है तो बाकी आप देख लो, साथ साथ ही स्टार्ट हो गया। तो अभी हम पहुँचते हैं वहाँ पे। जी तो व्यूअर्स, अभी जो है ना हम ये मालम जब्बा आ गए और मालम जब्बा आके फोटो शूट वगैरह ये आप देखें। ये हमारा जो है ना जहाँ पे हम लोगों ने टूर करना है, ये पीसी है। पीसी हो सकता है हम चले जाएँ, टूर वाले हमारे इधर उधर घूम लेंगे। बाकी जो भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक तो ट्रैफिक वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। गद्दी जो है मैं ये टॉप पे खड़ा हूँ। अच्छा जी, तो हम जो है ना अभी अंदर जा रहे हैं और अंदर जा के जो भी यहाँ पे अपडेट होती है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सीन जो है बाहर का हमने आपको दिखा दिया है। अंजर भाई, क्या व्यू है यार यहाँ का, कमाल व्यू है। जी तो व्यूवर्स, अभी जो है हम अंदर आ गए हैं और अभी रिसेप्शन पे अंजर भाई गए हैं रूम वगैरह का चेक करने। बाकी हो सकता है कि हम जो है लाउंज में यहाँ पे बैठे हैं। जी तो व्यूवर्स, अभी जो हम आए हैं इसके टेरेस पे आए हैं और ये इसका पूल आपको नज़र आ रहा है। बाकी इसका जो व्यू है वो बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे, इसका टॉप का जो सीन है। ओहो, ये आप बादल चेक करें, वो आपको बर्फ नज़र आ रही है पहाड़ों के ऊपर, बादल आपको बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। जी तो व्यूवर्स, सीन कुछ ऐसे है, अभी जो है पीसी के ना हम टेरेस पे आ गए हैं और यहाँ का जो व्यू है इंतहाई क्लासी है। अभी अगर आप मेरी बैक पे देखेंगे तो आपको ना क्लाउड्स नज़र आएंगे और जो क्लाउड्स की बैक पे आप देखेंगे पहाड़ हैं, उन पे आपको जो है ना स्नो नज़र आएगी। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है। और अगर बात करें यहाँ का एनवायरनमेंट, बहुत ही कमाल का है। ये इसका जो टेरेस का व्यू है, बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का। तो व्यूअर्स, अभी जो है ना हम बैठे हुए हैं पीसी मालम जब्बा की बैक साइड पे और आप यहाँ के व्यू के बारे में क्या कहेंगे? जय यार, आपसे सवाल है इरफान भाई। एक बंदा चलता जा रहा है, एकदम रुक गया है, क्यों? अच्छा, इसके तीन जवाब है। एक तो वो थक गया होगा। अच्छा, दूसरा उसके साथ में दोबारा हुई होगी। अच्छा, तीसरा उसको प्यास लगी, वो पानी पीने रुक गया। तीनों गलत। सही जवाब बताओ। उसके पाँव में मोज आ गई। जी तो व्यूअर्स, अभी जो है ना हम नमाज़ पढ़ने आ गए हैं। ये माशाल्लाह यार कितना ज़बरदस्त व्यू है, यहाँ पे हम जुमा की नमाज़ पढ़ के जो है फिर उसके बाद देखते हैं फिर क्या हमारे प्लान है। जी तो व्यूअर्स, अभी जो है हमने माशाल्लाह से जुमा अदा किया और ये मेरे दोस्त हैं तकरीबन कोई 7-8 जुमे के बाद आज एक जुमा पढ़ा और वो भी हमें पता है इसको कैसे पढ़ाया। ज़बरदस्ती लेके तूने मेरे पकड़े। जी तो व्यूअर्स, अभी जो है ना हम पीसी से निकल के नीचे जा रहे हैं। कोई हमारा प्लान बन गया है कि ये स्नैक्स वगैरह खाने का,
तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है नीचे। टाइम हो गया, हम स्नैक्स नहीं खाएंगे तो हम मालूम जब्बा को ही प्यारे हो जाएंगे। हाँ, तो ये सलमान को जो है ना थोड़ा धूप बहुत ज़्यादा लगती है, तो अभी चलते हैं। और वो देखें दो शिकारी हमारे वाइज है ना, इन्होंने सीन कुछ बैड कर दिया है, ऊपर से नीचे लेके आए कि यहाँ से स्नैक्स कुछ लेने हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्नैक्स नहीं मिल रहे हमें। ये जो बॉयज़ हैं कहते हैं कि आई लव मालूम जब्बा, इसके साथ इन्होंने कुछ फोटोज़ वगैरह बनानी है। ये जो है ना स्नैक्स मंगवाए हैं बॉयज़ ने, बड़े गरम गरम। अब ये अपनी पुरानी कोई बातें सुना रहा, चेक करें ये भाई जान क्या सीन है, ये एंड है ये तो भाई। जी तो व्यूअर्स, अभी जो है ना हम ये मालूम जब्बा से जा रहे हैं नीचे। भाई क्या कहेंगे अभी जो ठंड, भाई अगर तो स्नोफॉल है तो आपको फिर आना चाहिए। ठंड तो यहाँ काफ़ी है। अच्छा, खाना खाया होगा, बल्कि एक आधी जैकेट या कोई जर्सी और लानी चाहिए थी। अच्छा, भी लानी चाहिए थी। ठीक है, सलमान को भी अभी हम जैकेट ही लेने जा रहे हैं इसकी बस में। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि। तो गाइज अभी जो है ना हम अपनी बस के पास आ गए हैं, और बस अभी जो है ना हमने निकलने का प्लान किया हुआ है। ये आप देखें जितनी भी यहाँ पे बसेज हैं ये सारी जो है ना अभी वापस अपने अपने होटल्स को निकलने लगी हैं। अभी जो है ना हमने वो मालूम जब्बा से हम वापस आ रहे थे, और अभी जो हमने स्टे किया है पता नहीं कहाँ किया है, पर तो ब्रेक है, एक छोटी सी ब्रेक है। इज वेरी स्लीपिंग पर्सन, और ये सारे रास्ते जो है ना सोता हुआ आया भाई। और ये देखें सलमान की आंखों से पता लग रहा है फ्रेश है एकदम अभी। और ये भाई जो है ना सोते हुए हैं सारे रात का। और अभी जो है ना ऑलमोस्ट हम लोग जो है अपने जो है होटल तकरीबन पहुंच गए हैं, कलाम में पहुंच गए हैं। तो रहेंगे तो रहेंगे गाइस। जी तो व्यूअर्स, अभी जो है ना हम अपने जो होटल है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत ऑफ रोड ट्रैवल करना पड़ा हमें। अंजर भाई कुछ कहेंगे? रोड वॉज प्रैक्टिकली नॉट देयर, मेरा तो सब कुछ ऑफ रोड था। और आप अपनी गाड़ी पे तो आए ही ना बाकी जो है हम आपको अपडेट करेंगे। तो डिनर के लिए हम रेडी होते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी जो है हम रेडी हो गए हैं डिनर के लिए, और हम जा रहे हैं अभी डिनर के लिए। तो अभी मैंने शावर लिया है पूरे तकरीबन कह सकते हैं आप कोई 30 से 35 घंटों के बाद सुकून हुआ है बॉडी को। और ये सब कितना टेम्परेचर था पानी का भाई? टेम्परेचर बहुत ठंडा पानी इतना गया कि धुएं निकल रहे हैं गाइस। मैंने बहुत ही कहते हैं ना ठंडे पानी से शावर लिया, क्योंकि मेरी रूटीन है अगर मैं ठंडे पानी से शावर ना लूँ तो मुझे सुकून नहीं होता। और अभी सीन ये हुआ है कि तैयार होते होते हमारा जो बस ड्राइवर है वो हमें छोड़ के चले गया है जहाँ पर मतलब हमारा डिनर रखा गया। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं और डिनर करेंगे, उसके बाद जो है वापस आए। जी तो व्यूअर्स, अभी जो है हम अपने होटल से जो आए हैं शेफ सोनिया के पास, और ये हमारी शेफ हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़र्स्ट टाइम आपके पास आया हूँ। अभी तो आपने मुझे ये बताना आज हमें आप क्या खिला रही हैं। आज हमारे पास है चिकन कोरमा, ठीक है, चना रायता सलाद और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, नान वगैरह। चलें हम इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। इज अंजर, ही इज माय फ्रेंड, शी इज सोनिया शेफ। तो कुछ आपने पूछना हो खाने? ये बता रहे थे बड़ी तारीफ कर रहे थे रस्ते में ना, क्या है सर? ये हमें भाई कढ़ाई मिली है, ये दाल है, ये अंकल है सलाद, ये अंकल भी मिले। अंजर भाई क्या कहना है, खाना कैसा है? सलमान खाना कैसा? खाना बहुत अच्छा, मैं साथ खाने के एक अंकल भी। जी तो गाइज ये जो है ना बॉन फायर हमारा हो रहा है, और भाई क्या कह रहे हैं जल्दी मुलाकात होगी।